So yes, what's up guys? कैसे हो आप सब? Hope so आप सब ठीक हो गया. Finally, PMPC 2.0 का semi-final हो चुका है start guys. हम मतलब start किए थे और अब last तक अब हम आ चुके हैं. तो काफी ज़्यादा मज़ा आएगा. फिलहाल ये देख सकते हो, फिलहाल team NP squad बिल्कुल ready है अपने buddies के साथ, अपने guns के साथ बिल्कुल ready है fight लेने के लिए. Team EQ vs squad 0 के इसको यहाँ पे मैंने देख लेते थोड़े से late start किया, उस वजह से देख लेते हैं कि कौन कौन सी टीम एलिमिनेट. कोई भी टीम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुई है, मज़ा आएगा. बट वहाँ पे टीम रेड के स्क्वाड ने वहाँ पे शुरुआत करी काफ़ी अच्छी और जाते हैं रेड की स्क्वाड के पास. तो ये वहाँ पे टीम रेड स्क्वाड भी तो ऑल्सो जीरो किल. सो देखेंगे अब यहाँ पे रेड स्क्वाड का रोटेशन कैसे रहता है. सामने टीम नंबर 5 के एक बंदे को वहाँ पे डाउन किया गया, लाइक टीम नंबर 5 के स्क्वाड क्रिएट करके सामने टीम एनपी स्क्वाड और एनपी स्क्वाड के जीरो किल्स. और यहाँ पे एक बंदे का नॉकआउट हो चुका था और अब यहाँ से देखते हैं कि वो कैसे कैसे निकालते हैं. लाइक 4S ब्लेज ने वहाँ पे एसटी आयुष को पिक ऑफ किया और काफ़ी ओपी गेम प्ले बाय टीम 4S स्क्वाड ऑल्सो. और टीम रेड स्क्वाड विद जीरो किल्स के साथ एक बंदा काफी अपनी शॉप करेंगे. सामने एनपी स्क्वाड को 3 बैन करेंगे. टीम रेड स्क्वाड एक अच्छी शुरुआत 1 किल्स के साथ. और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एनपी स्क्वाड यहाँ से उनका गेम प्ले फिल कैसे रहता है. ये वहाँ पे फाइनली 4S ब्लेज ने वहाँ पे उजी से पूरा फिनिश ऑफ किया एचटी आयुष को. तो यस वहाँ पे टीम 4S स्क्वाड काफी ओपी गेम प्ले दिखा रही. जाएंगे प्लेस के पास भी तो यस वहाँ पे प्लेज देख सकते हो कि फिलहाल गॉडेक्स यहाँ पे फिलहाल डाउन हुए तो फिलहाल आराम से रिवाइव तो मिल जाएगा. बट यस वहाँ पे टीम एसटी की स्क्वाड ने यहाँ पे रश कर दिया है. तो अब यहाँ से क्या एसटी स्क्वाड यहाँ से का एक अच्छे से कंबाइन करेगा. टीम 4S स्क्वाड यहाँ से पूरी एलिमिनेट कर देगी. जाएंगे प्लेस के पास हम वापस से, क्या प्लेस काफ़ी ओपी गेम प्ले दिखा रहे. डीपी का काफ़ी अच्छा सा वो स्प्रे दे रहा है और अब देखना है कि कैसा खेल जाएगा. बट एक नेड आ रहा था और ये सामने सामने स्क्वाड की तरफ से एक नेड आ रहा है. लाइक 4FS पीस ने वहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल एक एचटी के एक और बंदे को वहाँ पर उन्होंने अकाउंट किया. काफ़ी ओपी स्प्रे एंड लाइक टीम एचटी का सिर्फ एक बंदा बचाने का भी हेड आउट है. अब वो सिर्फ बचे रहेंगे अकेले, अपनी टीम को आगे तक लेके जा सकते हैं. देखेंगे अब यहाँ पे फिलहाल क्या होगा, अपनी गेम कैसे देखने को मिलेगा टीम एचटी हेड आउट का. सो लेट्स सी. बट यहाँ पे स्प्रे आउट होता हुआ टीम प्लेस उसके वहाँ पे टीम 4S स्क्वाड काफ़ी अच्छा सा स्प्रे आउट कर रही थी. बट फिलहाल रात से बच कर निकल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. टीम 4S स्क्वाड विद 2 किल्स एक अच्छी शुरुआत इनकी भी हो चुकी है और अब जल्द से जल्द अब आपको जोन के अंदर जाना पड़ेगा. टीम देख सकते हो कि जो टीम AES की स्क्वाड है फिलहाल अभी आप लोग जीरो किल्स के साथ हो. अब आपको जोन के जल्द से जल्द आपको अंदर जाना है. देखेंगे वो कैसे जोन के अंदर जाते हैं. फिलहाल ये फर्स्ट जोन था, एक और ड्रॉप आता हुआ जो जिसके अंदर है ऑक A3. काफ़ी अच्छी बात है गाइस आपके लिए, ऑक A3 आ रहा है. OP गेम प्ले देखने को मिलेगा. और अब जहाँ भी 968 MS की जो स्क्वाड की मैं बात करूँ तो आप टीम 968 MS आप लोग सेमी फाइनल तक आए. लाइक स्टार्टिंग कुछ इतना ठीक ठाक नहीं था, आप लोग का पेस 1 पेस 2 ठीक ठाक नहीं था, बट आप ने क्वालिफाई किए. पर अब यहाँ तक सेमीफाइनल तक आप लोग आए हो, सेमीफाइनल्स की टीम हो, बहुत 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 बड़ी बात है. तो गाइस एक ओपी टीम हमें देखने को मिलती है 968 MS स्क्वाड विद जीरो किल्स के साथ अभी भी गेम में बनी हुई है. देखेंगे कैसे कैसे निकालते हैं, लेट्स सी यहाँ पे फिलहाल क्या होगा. टीम 968 MS अभी भी सर्वाइव कर रही है, गेम में अभी भी मज़े बाकी है. फिलहाल देख सकते हो कि फिलहाल एक और यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल ये सेकेंड ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा था जिसके अंदर ऑफ A3 हमें देखने को मिल रही है. और यस वहाँ पे टीम नंबर 7 की स्क्वाड की मैं बात करूँगा तो फिलहाल विद जीरो किल्स के साथ फिलहाल अभी भी सर्वाइव करी, काफ़ी अच्छी बात है. और अब यहाँ पे बात करूँ तो यस वहाँ पे फिलहाल एक फाइट अगर यहाँ पे देखने को मिलेगी टीम फ्रोजन है सामने. फ्रोजन काफ़ी अच्छा खेलते हैं और यहाँ पे देखना कि लाइक फ्रोजन का कैसा खेल रहेगा. वो नेट कॉक तो कर रहे हैं, नेट कॉक तो कर रहे हैं, क्या वो एक परफेक्ट नेट हमें देखने को मिलेगा फ्रोजन की तरफ से. वो नेट क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट वो. और यस वहाँ पे इनका एक और बंदा वहाँ पे डाउन होता हुआ, ये सिर्फ लाइक एक ही बंदा बचा रहेगा जो कि इनका एक बंदा जो कि उर्जी देंगे. बस वो यहाँ से फॉल बैक ले जाएंगे. यस उनको यहाँ से फॉल बैक लेना ही सही था, बेस्ट था. अगर आप यहाँ से फॉल बैक कर लेते प्रॉब्लम हो सकती थी. बट अगर यहाँ पे टीम नंबर 17 के बंदे स्पॉटेड कर ले तो फिनिश ऑफ हो जाएगी टीम में. स्क्वाड अंडर प्रेशर हो सकती है, लाइक टीम फ्रोजन विद 2 किल्स और एक ओपी गेम प्ले बाय टीम फ्रोजन स्क्वाड. और अब यहाँ पे जो कि ड्रॉप था ऑक A3 का वो फिलहाल अभी भी कोई लूट नहीं किया है, ना कोई लूट करेगा. फिलहाल एक और ड्रॉप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. ये ड्रॉप के अंदर गाइस है क्या वो देख लेते हैं. वो ड्रॉप के अंदर है यहाँ पे लाइक MQ-14 गाइस, लाइक टीम नंबर 9 जस्ट नीचे से जा रही है. हो सकता है तो ड्रॉप लूट कर लो क्या आपके साथ MQ-14 रहेगी, पर बिल्कुल ड्रॉप नहीं लूट करेंगे. ड्रॉप को इग्नोर करके आ गया बढ़ते टीम नंबर 9 के स्क्वाड. और अब यहाँ से देखना कि टीम नंबर 9 स्क्वाड कैसा जाती है. टीम नंबर 11 स्क्वाड विद द विन किल्स और ये वहाँ पे टीम रेड स्क्वाड विद द 1 किल्स. देखेंगे रेड की स्क्वाड का रोटेशन और गेम प्ले फ्लैग कैसे रहता है. बट लेट्स वहाँ पे फ्रोजन काफ़ी ओपी गेम प्ले दिखा रहे हैं. लाइक टीम नंबर 5 स्क्वाड विद 0 किल्स. सो लेट्स सी टीम नंबर 5 स्क्वाड का रोटेशन गेम प्ले फ्लैग क्या रहेगा. सो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम मार सकते हैं बिना विनर्स करने वाले. टीम नंबर 8 स्क्वाड विद ऑल्सो 1 किल्स. सो लेट्स सी
यहाँ पे चीन नंबर 8 की स्क्वाड का रोटेशन गेम प्ले प्लेयर क्या रहेगा, उनका रोटेशन देखना है मुझे। और अब यहाँ पे देखिए 968 स्क्वाड की है, 968 स्क्वाड तो ऑल्सो जीरो टेल्स के साथ है, उनका गेम प्ले 968 स्क्वाड अभी भी गेम प्ले गेम में बनी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स सी अनलाइक टीम पीसी स्क्वाड की मैं बात करूँगा तो ये वहाँ पे AES स्क्वाड से वहाँ पे AES स्क्वाड प्लेयर अभी भी गेम प्ले बनी हुई है। और अब यहाँ पे मैं बात करूँगा ओमेगा स्क्वाड की, तो भाई नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेल हुई टीम ओमेगा, और स्टार्टिंग से लाइक पेज वन से काफ़ी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला इनका इनके टीम मेट्स का। तो अब यहाँ पे देखना है कि फिलहाल अब ओमेगा स्क्वाड क्या यहाँ पे फिलहाल आगे तक या फाइनल्स तक कर जाती है यहाँ पे, लाइक अगर जो टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है थोड़ा सा लाइक दुख होता है, सेमीफाइनल्स तक का पहुँचे तो यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कोई बात नहीं, सेमीफाइनल्स तक आए हो कोई बहुत बड़ी बात है। और यस वहाँ पे टीम ओमेगा स्क्वाड बिल्कुल चाहिए हम फाइनल्स में जाए, सो लेट्स सी ओमेगा स्क्वाड का गेम प्ले इस बार सेमीफाइनल्स में कैसे रहता है। सब टीम यहाँ पे बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखेंगे अभी यहाँ पे क्या होगा। और रही बात यहाँ पे एमएच स्क्वाड की, तो यस वहाँ टीम एमएच स्क्वाड तो ऑल्सो जीरो किल, सो लेट्स सी एमएच स्क्वाड का रोटेशन एंड गेम प्ले। पर यहाँ पे एक ब्रिज फाइट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वहाँ पे लेजर ने वहाँ पे रेड के एक बंदे को देख सकते पैगल फोर्ट रही थी तो यहाँ पर नॉकआउट किया। और यस वहाँ पे फिलहाल अभी इनको रिवाइव देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लाइक देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिफायर आता हुआ टीम साइको की तरफ से, लाइक टीम साइको स्क्वाड भी तो ऑल्सो वर्ल्ड किल, सो लेट्स सी यहाँ पे साइको स्क्वाड का डोमिनेशन कैसे देखने को मिलता है एक किल्स के साथ, तो देखेंगे अब यहाँ पे फिलहाल क्या होगा। भाई टीम नंबर 11 ग्रेट स्क्वाड भी तो वन किल्स, लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम मार सकती है। विनर चिकन रैंगल का ये मैप है, इसके बाद है मेरा मास सैन ऑफ देन रैंगल, और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा फिलहाल कौन सी टीम रहती है ये पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे फिलहाल, या लाइक टीम नंबर 8 स्क्वाड्स देखेंगे इनका रोटेशंस इनका गेम प्ले, टीम नंबर 5 स्क्वाड्स पे तो जीरो किल्स, सो लेट्स सी गाइस यहाँ पे कौन सी टीम मारेंगे विनर विनर चिकन डिनर। और अब यहाँ पे फिलहाल जैसे मैं बात कर रहा था कि लाइक अब एक जोन अब यहाँ पे एक थर्ड जोन आपका जल्द से बनने वाला है, जोन हो चुका है स्टार्ट और अब यहाँ पे आपको जोर बनने वाला है, तो कीप गाइस आप लोग रेडी हो जाओ क्योंकि अब यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम अब यहाँ पे वाला पहले टीम रेड स्क्वाड्स यहाँ पे देखना पड़ेगा अपना टीम रेड स्क्वाड्स का रोटेशन करेगा, देखेंगे जब कौन सी टीम मार सकती है विनर विनर चिकन डिनर। लाइक टीम नंबर 5 स्क्वाड्स की मैं बात करूँगी तो ऑल्सो जीरो किल्स एंड दो यहाँ पे बंदे फिलहाल एनडी की स्क्वाड के दो बंदे काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हुए, और वो दो बंदे अभी भी देख सकते हैं फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं, ये दो बंदों को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अपनी टीमेज को आगे तक लेके जा रहे हैं, देखेंगे कब तक लेके जाते हैं। टीम साइको स्क्वाड भी तो वन कर चारों बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल 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 यहाँ पे टारगेट करेंगे टीम एनवी स्क्वाड्स को कि हम वो दो बंदे को फिनिश ऑफ कर दे कि हमें और भी कल से यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे फिलहाल हमें देखते हैं लाइक फाइट हमें देखने को मिलेगी टीम एक्वा की स्क्वाड की तरफ से, लाइक फ्रोजन स्क्वाड की तरफ से, क्योंकि चार किल्स के साथ यस टीम फ्रोजन तो 4 किल्स एंड फाइनली रेड के मैच जो वाइट ही रहे वहाँ पे साइको के एक बंदे को पिक ऑफ किया, और ये काफ़ी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिलता हुआ बाई टीम रेड स्क्वाड्स। अब यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कि रेड स्क्वाड काफ़ी ओपी डोमिनेशंस दे रही है, लाइक फिलहाल काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है, पर यस वहाँ पे कार्ड काफ़ी अच्छा स्नाइपिंग हमें देखने को मिलता हुआ मैजो वाइट की तरफ से, और एक बंदे को पिक ऑफ करते हुए काफ़ी ओपी स्नाइपिंग मैजो वाइट ही, एक अच्छा सा गेम प्ले देखने को मिलता हुआ आज यह टीम रेड स्क्वाड्स का। क्या और भी कल से यहाँ पे निकालेगी टीम रेड स्क्वाड्स देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और अब यहाँ पे मुझे देखना है कि फिलहाल क्या टीम चिकन डिनर निकाल सकती है, क्या टीम रेड स्क्वाड चिकन डिनर निकाल सकती है। ओके ओके भाई चौहान जी का ये कॉल स्नाइपिंग वहाँ पे साइको फ्यूरी को नॉकआउट, और अब यहाँ पे फिलहाल फिलहाल अब यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लाइक साइको की स्क्वाड अंडर प्रेशर होती है, सामने की तरफ से काफ़ी अच्छा स्नाइपिंग का रोल हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ओपी गेम प्ले में देखने को मिलता हुआ टीम फिलहाल लाइक टीम रेड की तरफ से, लाइक वेजो वाइट ही काफ़ी अलग पागल चार सौ पीस देख सकते हैं, लाइक ब्रिज के नीचे से वो देख सकते हो कि फिलहाल मिलिट्री बेस आइलैंड पे जाना चाहते हैं, और क्या वो पहुंच पाएंगे। टीम रेड स्क्वाड को यहां से ही निकलना पड़ेगा क्योंकि शायद ब्रिज कैंप नहीं है, ब्रिज कैंप है गाइस, ब्रिज कैंप है, ब्रिज कैंप तो है। टीम नंबर 9 की स्क्वाड ने यहाँ पर किया है ब्रिज कैंप, और लाइक टीम नंबर 9 की स्क्वाड अगर ब्रिज कैंप कर रही है तो ठीक ठाक कर रही है। टीम नंबर 9 स्क्वाड जीरो कैश गाइस, सो लेट्स सी क्या पे कौन सी टीम आ रही है विनर विनर चिकन डिनर। बट यस वहाँ पे टीम एक्वा स्क्वाड विद द 4 कैश एंड ओके सी फ्रोजन स्क्वाड विद द 4 कैश, सो लेट्स सी क्या पे टीम फ्रोजन के स्क्वाड का रोटेशन एंड गेम प्ले फ्लाइट क्या रहेगा, देखेंगे अब यहाँ पे फिलहाल टीम फ्रोजन 4 कैश के साथ काफ़ी अच्छी शुरुआत तो करी थी। और यस वहीं पे बात करें तो टीम एमएच स्क्वाड की, तो यस वहाँ पे टीम एमएच स्क्वाड विद द 0 कैश, सो लेट्स सी यहाँ पे एमएच स्क्वाड का रोटेशन गेम प्ले फ्लाइट कैसे रहता है, सो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। टीम ए सेम गोज टू ए AES स्क्वाड, सो यस वहाँ पे फाइनल टीम AES स्क्वाड जीरो किल्स, सो लेट्स सी यहाँ पे AES स्क्वाड का रोटेशन इन गेम प्ले, और फिलहाल देखेंगे यहाँ पे फिर क्या होगा। लाइक टीम एनडी स्क्वाड को अब यहाँ से जल्द आपको जोन के अंदर आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, देखेंगे नंबर कब तक आएंगे। लाइक टीम सेम गोज टू टीम फ्रोजन, आपको भी अब यहाँ से ब्रिज से जाना है, और अब यहाँ से देखना फिर कैसे वो
ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। अगर एक टीम की मैं बात करूँगा तो टीम रेड की स्क्वाड जो फाइव है काफ़ी अच्छी काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल पानी से नीचे से देख सकते हो कि मतलब ब्रिज के नीचे नीचे से वो निकलते हैं। वैन टीम रेड स्क्वाड के ये दो बंदे काफ़ी ओपी गेम प्ले दिखा रहे हैं एक गज के साथ हैं, अभी भी गेम में बने हैं। नाइटी टीम फ्रोजन की टीम ने वहाँ पर देख सकते हो कि फिर टीम साइगो को डाल दिया उसको किया गया। पूरा फिनिश ऑफ करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे कि जो नेट से जो फिनिश ऑफ हुआ है मैं उसको फिनिश ऑफ सामने। और यस वहाँ पे फ्रोजन ने यहाँ पर फिनिश ऑफ किया एंड फाइनली फ्रोजन विद द फोर किल्स एंड टीम फ्रोजन विद द एट किल्स गाइस काफी ओपी गेम प्ले बाय टीम फ्रोजन। टीम साइको होती है यहाँ पे एलिमिनेट और अब यहाँ से चल जाती हुई फ्रोजन दिस अदर जोन खेलता। पर यस वहाँ पे टीम रेड की स्क्वाड क्या है यहाँ पर ब्रिज काम कर सकती है, लाइक अगर ब्रिज काम करते हैं तो प्रॉब्लम होगा बट नहीं ऊपर नहीं लाइक नीचे की तरफ लाइक टीम नंबर नाइन स्क्वाड सर्वाइविंग कर रही है। पर यस वहाँ पे देख सकते हो फिलहाल टीम लाइक टीम फ्रोजन की स्क्वाड को काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है क्योंकि स्कॉट यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल रिकॉर्ड किया ब्रिज काम करते हुए अलग टीम फ्रोजन को अब यहाँ से देखना कि कैसा जाएगी अलग टीम एम डी के बंदे ने वहाँ पे देख सकते हो कि लाइक 968 स्कॉट को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि एक्वा कोबरा कब तक अंदर आते हैं क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज कर रहा है बट लेट्स सी यहाँ पे क्या एक्वा कोबरा अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे क्योंकि लाइक टीम नंबर नाइन के बदले काफ़ी अच्छा सा वो स्प्रे आउट बुक कर तो रहे बट लेट्स सी यहाँ पे फिलहाल क्या होने वाला है, आपको जाना पड़ेगा फिलहाल जोन की चल से चल अंदर। और आप यहाँ से देखना है कि लाइक जी पी का जो चीज अच्छा बिल्कुल परफेक्ट आपको स्प्रे आउट करने की बिल्कुल दे रही है और एक जी पी का अगर वो अच्छा स्प्रे आउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स सी लाइक टीम नंबर नाइन जैसी लाइक रेड की स्क्वाड नीचे से और लाइक नीचे से भी तकलीफ देने वाले टीम नंबर नाइन के बंदे को लाइक टीम नंबर नाइन के स्क्वाड की ये बंदा देख सकते हो फिर ये बंदा काफ़ी अच्छी पोजीशन पे और ये टीम नंबर नाइन के ये दो बंदे टारगेट कर सकते हैं रेड की स्क्वाड को क्योंकि आप एक स्पॉटेड कर सकते हो। देखो ट्राई करो स्पॉटेड पहुंच जाओगे और ये देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे। और फाइनली टीम फोर एस स्क्वाड विद ऑल्सो टू के सो ये लोग भी अभी फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं देखेंगे आप यहाँ पर टीम फोर एस स्क्वाड यहाँ से क्या करेंगे। लाइक टीम नंबर सिक्स स्क्वाड जो कि बी क्यू एस स्क्वाड है विद ऑल्सो जीरो के सो देखेंगे अब यहाँ पर बी क्यू एस स्क्वाड का रोटेशन प्ले फ्लाइ कैसे रहता है। लाइक टीम नंबर टी सी स्क्वाड की मैं बात करूँगा तो यस वहाँ पर टीम ए ई एस स्क्वाड विद जीरो के सो नेक्स्ट यहाँ पे ई एस स्क्वाड का रोटेशन बट वहाँ पर देख सकते बैक वॉक ओवर का पिक ऑफ किया गया बाई टीम देख सकते हो टीम नंबर नाइन एंड लाइक टीम रेड स्क्वाड एलिमिनेटेड होती भी नजर आ रही है। यस वहाँ पर शायद टीम रेड की जो स्क्वाड्स थी वो यहाँ पे एलिमिनेट होती थी और ये स्वाप टीम एम एच की स्क्वाड्स की बात कर रही है तो जीरो कल्स के साथ टीम नंबर नाइन स्क्वाड्स ने यहाँ पे तीन कल्स निकाल लिया काफ़ी अच्छी बात है। और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लाइक अब टीम नंबर नाइन और भी कैसे कल्स निकाल सकते हैं क्योंकि देखना पड़ेगा कि लाइक टीम का 14 के स्क्वाड्स कब टारगेट करते हैं क्योंकि वो भी ऊपर की तरफ है। और अब ये स्वाप टीम फ्रोजन को जल्द से जल्द अंदर आना है। लाइक फ्रोजन यहाँ पे काफ़ी कम एच पी है और फ्रोजन देखेंगे कल कैसे वो अंदर आते थे उनका काफ़ी ज़्यादा स्प्रे आउट हो सकता है। पर ये स्वाप चूँकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है क्योंकि लाइक टीम नंबर ए ई एस स्क्वाड्स भी इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लाइक टीम नंबर नाइन की स्क्वाड भी बंदे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पर जब यहाँ से फ्रोजन को देखना क्या है यहाँ पे पीछे से आप आ तो चुके रोटेशन कर तो चुके हैं क्या दो तीन किल्स और निकाल के देंगे फ्रोजन इन द गेम नेक्स्ट क्या ये फ्रोजन का गेम है देखेंगे अब यहाँ पर फिलहाल क्या होगा। टीम बी क्यू एस स्क्वाड लाइक देख सकते हो ये फोर एम्स लाइक देख सकते हो फोर एम्स फोर एस यमराज काफ़ी ऊपर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं टीम नंबर नाइन स्क्वाड विद थ्री किल्स और काफ़ी अच्छा तरीके काफ़ी ओपी स्टाइलिंग हमें देखने को मिलता हुआ बट ये यहाँ पे फिलहाल लाइक टीम नंबर नाइन स्क्वाड सर्वाइव है लाइक टीम फ्रोजन क्या यहाँ पे फ्रोजन क्या कुछ एक अच्छा सा स्प्राउट करके अपनी टीम मेट्स को बचा पाएंगे पर देखेंगे उनका टीम मेट्स भी यहाँ पर आ चुका है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वहाँ पर फाइनली टेन टीम सर्वाइव करती है लाइक टीम नंबर नाइन स्क्वाड विद थ्री किल्स देखेंगे अब यहाँ पे फ्लैट टीम नंबर नाइन के स्क्वाड्स यहाँ से फ्लैट क्या करेंगे रोटेशन गेम प्ले फिलहाल उनका गेम प्ले फ्लैट कैसे रहता है। टीम फोर एस स्क्वाड्स विद टू किल्स एंड टीम एम एच स्क्वाड्स विद जीरो किल्स टीम ए ई एस स्क्वाड विद जीरो किल्स और लेट्स सी यहाँ पे टीम 968 एमएस के पास चले जाते हैं तो 968 एमएस फिलहाल जीरो किल्स के साथ है। फिलहाल एक बंदे को नॉकआउट किया था सामने टीम फ्रोजन और यस वहाँ पे एक फ्रोजन बंदा पहुँचा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या फ्रोजन कुछ और एक ओपी गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा फ्रोजन का यस वहाँ पे क्या अपने टीम मेट्स को वो बचा पाएंगे। फिलहाल 9 किल्स के साथ अब देख सकते हो कि पूरी टीम थी अकेले के फ्रोजन के 4 किल्स और अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी और भी किल्स निकालने के लिए बट अपने टीममेट्स को बचाना चाहते हैं क्या वो बचा पाएंगे अपने टीममेट्स को देखेंगे अब यहाँ पे फिर क्या होगा। लाइक फाइनली एस स्क्वाड विद ऑल्सो 0 किल्स एंड टीम 4 एस स्क्वाड विद 2 किल्स सो लेट्स सी यहाँ पे टीम 4 एस स्क्वाड का रोटेशन एंड टीम एम एच ई का स्क्वाड बात करूँ तो यस वहाँ पे टीम
एम एच की स्कॉल्स यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल जीरो किल्स के साथ, और देखेंगे आप यहाँ पे फिलहाल क्या होगा। और ये टीम बी क्यू एस स्कॉल्स को यहाँ पे देख सकते हो शॉर्टेड किया टीम बी क्यू एस स्कॉल्स। और ये वहाँ पे 968 एम एच के बंदे की मैं बात करूँ तो ये वहाँ पे लाइक 968 एच है वहाँ पे पिक ऑफ होते हुए, और ये यहाँ पे 968 और स्कॉल्स यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कि जीरो किल्स के साथ है, बट एच ए काफ़ी अच्छा ठीक ठाक खेल रहा है। सामने फ्रोजन के लाइक 15 फ्रोजन को देख सकते हो स्पॉटेड किया, और ये वहाँ पे मुझे देखना है कि फ्रोजन अब यहाँ पे उनका गेम प्ले फिलहाल कैसे रहेगा लाइक फ्रोजन अंडर प्रेशर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको डैमेज आ रहा है अकेले अपने टीम मेट्स के लिए बचे हुए। और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लाइक फ्रोजन अब यहाँ से फिलहाल कैसा गेम प्ले दिखाते हैं, क्योंकि सामने टीम नंबर 9 के स्कॉल्स बिल्कुल उनकी तरफ से बिल्कुल रेडी है, स्प्रे आउट को कर सकते हैं। और अब देखेंगे अब यहाँ पे फ्लैट क्या होगा, बट यस वहाँ पे टीम ओमेगा स्क्वाड अभी भी सर्वाइव कर रही है गाइस। सबसे अच्छी बात ये है कि ओमेगा स्क्वाड अभी भी सर्वाइव कर रही है, जो कि काफ़ी नंबर वन टीम है टीम ओमेगा स्क्वाड विद 2 किल्स। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गलत क्योंकि एक बंदा यहाँ पे डाउन, और अब यहाँ पे देखना है कि टीम ओमेगा स्क्वाड यहाँ पे फ्लैट क्या करेगी, वेल लाइक वी क्यू एस स्क्वाड का 1 किल, सो लेट्स सी यहाँ पे वी क्यू एस स्क्वाड यहाँ पे क्या कर सकती है। बट नहीं वहाँ पे टीम एम एच स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड का 1 किल टीम यही है आउट करने का बिल्कुल प्राय। और यस वहाँ पे देखना पड़ेगा कि फिलहाल एस स्क्वाड जहाँ से फिलहाल क्या करेगी, क्योंकि देख दो काफ़ी ज़्यादा फ्री फायर अब आप लाइक आ तो रहा है, पर अब यहाँ पे फिलहाल देखेंगे क्या होगा, कौन सी टीम आ सकती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री फायर देती है टीम नंबर 14, और अब यहाँ पे क्या टीम नंबर 14 यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगी, क्या एक अच्छा सा गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा टीम नंबर 13 की तरफ। एम एच स्क्वाड विद 1 किल्स की जरूरत है, 968 एम एस यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है लाइक 968 स्क्वाड काफ़ी अच्छा गेम है, पर वहाँ पे प्लेट को पिकअप किया गया बाई टीम नंबर 9 स्क्वाड लाइक टीम नंबर 14 स्क्वाड अंडर प्रेशर भी एक बताया फिर डाउन टीम करके बचे हुए क्या होगा। यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे नंबर करते हुए बाइक टीम ए ई एस स्क्वाड थर्ड पार्टी का सिचुएशन, टीम ए ई एस स्क्वाड वी क्यू एस यहाँ पे देख सकते हो कि शॉप होते हुए देख सकते हो कि मार्पी शॉप देख सकते हो, फिर अब भी वो पिकअप है और रिवाइव कर दिया जा रहा है। और अब यहाँ पे सिर्फ ए और दो बंदे सेलेक्ट टीम देख सकते हो कि वी क्यू एस स्क्वाड के बचे रहेंगे, टीम नंबर 16 की इसकी स्क्वाड की बात करें तो 968 एम एस, और ये वहाँ पे 968 एम एस देख सकते हो कि पैरट यहाँ पे देख सकते हो कि पिकअप हो सकते हैं। और ये यहाँ पे टीम नंबर 9 की तरफ से काफ़ी अच्छा स्प्रे आता हुआ लाइक टीम नंबर 9 स्क्वाड विद 3 किल्स एंड टीम फाइनली लाइक टीम 968 एम एस ऑल्सो विद 3 किल्स, सो देखेंगे यहाँ पे किल्स पे चलेगा। बट ये वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्प्रे और लाइक 968 के एक बंदे को पिक ऑफ किया गया। अब यहाँ पे देखना है कि लाइक 968 एम एस कैसे कम बैक करती है लाइक टीम नंबर 9 स्क्वाड काफ़ी अच्छा खेल रही है 3 किल्स के साथ, काफ़ी गेम प्ले हमें देखने को मिल तो रहा है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। और मैं बात करूँ तो लाइक टीम नंबर 14 के बंदे तो लाइक देखेंगे अब टीम नंबर 13 लाइक टीम नंबर 12 स्क्वाड विद 2 किल्स हो गए, 14 भी यूज़ किया जा रहा है टीम नंबर 4 स्क्वाड विद 4 किल्स एंड टीम नंबर 4 किल्स स्प्रे आउट करते हैं स्क्वाड को वी क्यू एस स्क्वाड अंडर प्रेशर। और यस वहाँ पे वी क्यू एस स्क्वाड की बात करूँ तो यस वहाँ पे टीम वी क्यू एस स्क्वाड विद 2 किल्स, सो लेट्स सी यहाँ पे टीम वी क्यू एस स्क्वाड क्या करेगा। यस की वेव ने वहाँ पे वी क्यू एस के एक बंदे को पूरा फिनिश ऑफ किया, टीम ओमेगा के बंदे वहाँ पे जोन के बाहर फिनिश ऑफ होते हुए टीम ओमेगा स्क्वाड अंडर प्रेशर, और टीम ओमेगा स्क्वाड का सिर्फ एक ही बंदा बचा जो कि उनकी पूरी टीम 3 किल्स के साथ है। अभी सिर्फ जोकर ओपी बचे हैं जो कि वो हील बैटल कर सकते हैं, एक भी हील नहीं है, अब वो नेट फेंक रहे हैं कि लाइक एक दो बंदे को मैं पिक ऑफ कर सके एक फिनिश ऑफ कर स्टूडेंट्स आ जाएंगे पढ़ने आप पॉइंट्स दे बैठेंगे लाइक टीम नंबर 13 के, पर कोई बात नहीं पॉइंट्स नहीं देंगे टीम ओमेगा स्क्वाड एलिमिनेटेड। अब सिर्फ 3 टीम्स यहाँ पे बचती है टीम एम एच स्क्वाड टीम ए ई एस स्क्वाड एंड टीम नंबर 9 स्क्वाड, कौन सी टीम आ सकती है विनर विनर कैंडिडेट, टीम ए ई एस स्क्वाड विद 4 किल्स टीम एम एच स्क्वाड विद 6 किल्स टीम नंबर 9 स्क्वाड विद 4 किल्स, क्या यहाँ पे एम एच स्क्वाड क्या एक चिकन डिनर के लिए पड़ रही है, कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं, कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं, आओ ऊपर से जरा व्यू लेते हैं लाइक ये टीम्स का। तो यस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्लैट रेड ट्रायंगल का शेप, और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी टीम मारेगी विनर विनर चिकन डिनर तीन वही टीम्स के साथ, देख सकते हो कि फ्लैट एक नेट को कोर है नेट फेंका जा रहा है एम एच स्क्वाड वर्सेस टीम ए एस स्क्वाड की एक अच्छी फाइट होगी। पर वहाँ पे टीम नंबर 9 की तरफ से काफी अच्छा स्टार्ट टीम नंबर 13 का बता दो टीम नंबर 14 अंडर प्रेशर टीम नंबर 14 की स्क्वाड की मैं बात करूंगा देख सकते हो आउट हो सकते हैं वे वहाँ पे नेट को करते हुए, क्या वो नेट को खोने वाला है और वाइस वहाँ पे क्या करने के लिए सिचुएशन ले सकती है, क्या यहाँ पे सेलिब्रेट हो जाएगी इसलिए बंदा बचा हुआ है तो किसी भी एक बंदा बचा हुआ है। और अब यहाँ पे मुझे लाइक टीम नंबर 9 को देखना है कि लाइक तीनों बंदे सर्वाइव कर रहे हैं जो कि 5 स्क्वाड काफी ओपी लाइक टीम एंड एच स्क्वाड काफी मस्त
गेम देखने को मिल रहा था। लाइक टीम फ्रोजन भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी, टीम रेड स्क्वाड काफ़ी अच्छा खेल रही थी, सेमीफाइनल्स का ये मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मिलते हैं मीरामार के मैप में, काफ़ी ओपी गेम प्ले में देखने को मिला इरांगल के मैप में, होप सो मीरामार के मैप में ऐसे ही मज़ा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मीरामार का मैप भी ज़रूर देखना। और आते हैं छोटा सा ब्रेक लेके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ दैट समय लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ बाय।